जब मैंने शुरू किया तो आई स्टार्टेड विद दिस फील्ड 2009 से मैं शुरू किया था मैंने ये फील्ड पे वर्क करना। एंड देन आफ्टर दैट मैंने शुरुआत में ग्राफिक की फील्ड में काम किया है बंगाली रीजनल सिनेमास के साथ, एंड देन फिर उसके बाद मेन स्ट्रीम बॉलीवुड मूवीज के लिए एज अ ग्राफिक डिजाइनर, जिसमें हम उनके पोस्टर्स वगैरह ड्रॉ करते थे। एंड देन आफ्टर दैट आई हैड जॉइंड आपका वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री फ्रॉम 2012 2011-2012 से मैंने वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री ज्वाइन की। वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री में मैंने डेवलप भी किया एंड इंडी डेवलपर के साथ भी काम किया, जो कि इंडिविजुअल होते हैं, खुद के गेम बनाते हैं, उसे सेल आउट करते हैं। सो आई हैव वर्कड ऑन लाइक 40+ इंडिविजुअल टाइटल्स जो कि वीडियो गेमिंग टाइटल्स के हैं। एंड ऑल आई यू नो यू गाइस कैन सर्च ऑन इंटरनेट, और सारे गेम्स का मैं लिंक डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं। एंड आफ्टर दैट आई हैड जॉइंड इन अ टीचिंग करियर, फिर मैंने टीचिंग्स ज्वाइन की है। एंड देन आई एम वर्किंग फ्रॉम पास्ट 1 ईयर्स आई वाज वर्किंग विद नई शिक्षा। सो आज हम लोग बेसिकली हमने जो प्रीवियस क्लासेस में देखा था, आई होप आई एम एज्यूमिंग कि सारों ने प्रीवियस क्लास ज्वाइन की थी। हमने प्रीवियस क्लासेस में फोटोशॉप के बारे में देखा था, और उसके बाद हमने थोड़ा सा फोटोशॉप एनिमेशन के बारे में जाना था, फील्ड के बारे में जाना था। गाइज वो इंट्रोडक्शन था बाकी सबके लिए, कि वो इंट्रोडक्शन था, वर्किंग हम लोग अपकमिंग क्लास में शुरू करेंगे, क्योंकि हमको जानना भी जरूरी है कि ये फील्ड कौन सी है, क्या होता है इस फील्ड में, एंड देन वर्किंग में हम जाएंगे। राइट, डायरेक्टली स्किल अगर हम ले लेंगे तो फिर हमको किस तरीके से हम उसको किस कहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये चीज हमें पता नहीं होती। सो टुडे आज का जो हमारा टॉपिक है वो VFX है और वीडियो एडिटिंग है। ये कौन से स्टेज में आते हैं, आई होप काफी लोग को पता होगा जो प्रीवियसली ज्वाइन किए थे। मैंने 3 स्टेजेस की बात की थी। ओके, तो जिन्होंने प्रीवियस क्लास ली है उनको पता ही होगा कि वो 3 कौन सी स्टेजेस होती हैं प्रोडक्शन पाइपलाइन की, जिसमें कोई भी मूवी, कोई भी कोई भी वर्क जो कि हमारा इस सेक्टर में आता है, एंटरटेनमेंट बिजनेस में आता है, वो सारे एक ही 3 ही स्टेजेस से होके निकलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पाइपलाइन। राइट, तो मैं फिर से एक बार थोड़ा सा बता रहा हूँ कि प्रोडक्शन पाइपलाइन में जो सबसे पहली स्टेज होती है वो होती है आपकी प्री प्रोडक्शन। ये हर काम के लिए यूज होता है। प्री प्रोडक्शन जो है वो सबसे पहली चीज होती है जो कि एक प्रोडक्शन पाइपलाइन में यूज होती है। इसको अगर मैं सम अप करूं तो ये आपका प्लानिंग से रिलेटेड होता है। जो आपका कोई भी वर्क आप शुरू करते हैं तो उससे पहले आप प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से कोई भी चीज अगर हम शुरू करते हैं, तो अगर हम मूवी की बात करें तो जब मूवीज बनाना शुरू करते हैं तो पहले ही पेपर वर्क में उसकी प्लानिंग कर ली जाती है, उसमें कैरेक्टर क्रिएट कर लिया जाता है। उसके लिए जो सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं वो आपके सामने ही एक सॉफ्टवेयर ओपन है, फोटोशॉप में कैरेक्टर क्रिएशन वगैरह होता है, एनवायरमेंट के कॉन्सेप्ट तैयार किए जाते हैं, तो ये सब काम जो है वो प्री प्रोडक्शन में होता है। इसी में स्टोरी बोर्डिंग एक सेक्शन होता है। स्टोरी बोर्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कॉमिक्स के वे में, डिफरेंट डिफरेंट कॉमिकल वे में स्टोरी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए सिंपल एक बॉक्स होता है। और इसी में फिर कैरेक्टर ड्रॉ किया जाता है। यहीं पे सीन एंड शॉट्स का डिस्क्रिप्शन होता है, सारे डिस्क्रिप्शन यहाँ कुछ दिए जाते हैं। तो इस तरीके से स्टोरी बोर्डिंग होती है, इसमें पूरी प्लानिंग होती है, ये सब कुछ डायरेक्टर के लिए किया जाता है। डायरेक्टर को अपना विजन जो है वो थ्रो करना रहता है उसके लिए। तो सबसे पहले जो प्लानिंग होती है वो हमारा प्री प्रोडक्शन सेक्शन का होता है। इसके बाद प्रोडक्शन आता है। प्रोडक्शन में जो अब डिपेंड करता है आप कौन सी मूवी बना रहे हैं। अगर आप मान लीजिए 3 टाइप की मूवीज होती हैं वैसे इंडस्ट्री में, इसमें पहली मूवी जो होती है वो आपकी होती है लाइव एक्शन,
लाइव एक्शन होती है, इसमें एक्टर्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं, जैसे शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, ये एक्टर्स जो हैं वो डायरेक्टली एक्ट करते हैं, और वही आपके क्या बोलते हैं। गाइस किसी का कैमरा ऑन है या माइक ऑन है तो प्लीज ऑफ कर लीजिएगा। लाइव एक्शन में जैसे हमारे जो एक्टर्स होते हैं वो 3 घंटे आपको एंटरटेन करते हैं, तो जब प्रोडक्शन में आते हैं तो लाइव एक्शन का लाइव शूट्स होता है, इसमें कैमरा के साथ शूटिंग की जाती है, शूट्स किया जाता है। अगर हम 3D एनिमेटेड मूवी बना रहे हैं, जैसे लाइव एक्शन एक जॉनरा हो गया, दूसरा जॉनरा होता है 3D एनिमेटेड जॉनरा। 3D एनिमेटेड जब मूवी बनाते हैं हम लोग, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जैसे माया हो गया, मैक्स हो गया, ब्लेंडर हो गया, सिनेमा 4D हो गया, ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं, उनका यूज करके स्ट्रिक्टली सॉफ्टवेयर के अंदर ही कैरेक्टर बनाए जाते हैं, उनको एक्टिंग कराई जाती है, वो सब कुछ उस सॉफ्टवेयर के अंदर कराया जाता है, तो वो 3D एनिमेटेड मूवीज सेक्शन में किया जाता है। और तीसरी जो जॉनरा होती है मूवीज की, जो कि आज का टॉपिक भी है हमारा, वो है VFX मूवीज। VFX मूवीज जो होती हैं वो बेसिकली आपकी दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, इसमें हाफ पोर्शन लाइव होता है तो हाफ पोर्शन आपका 3D होता है, जिससे आपका VFX निकलता है, VFX मूवीज निकलती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा एवेंजर्स था, एवेंजर्स में हमारा जो थॉर कैरेक्टर है, यस सर, राइट, वो रियल कैरेक्टर है, प्लस उसके साथ अपने हल्क को जोड़ दिया जो कि 3D एनिमेटेड कैरेक्टर है, यस सर, राइट। एंड जो मूवी आई वो VFX मूवी थी आपकी, एंड गेम। जी प्रोडक्शन में क्या होता है, प्रोडक्शन में केवल आप वीडियोस निकालते हैं, रॉ वीडियोस निकालते हैं, रॉ कंटेंट वहां से आप निकालते हैं, और उसको आप ले जाते हैं फिर हमारे लास्ट सेक्शन में, जो कि हमारा आज का टॉपिक है विजुअल इफेक्ट्स एंड एडिटिंग। उसमें पोस्ट प्रोडक्शन सेक्शन के अंदर, पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज के अंदर आते हैं। तो अगर हम पोस्ट प्रोडक्शन की बात करें तो ये आपका फिनिशिंग के रूप में जाना जाता है। जैसे हमारा क्या बोलते, प्री प्रोडक्शन था वो प्लानिंग सेक्शन था, उसमें प्लानिंग होती थी, प्रोडक्शन था उसमें क्रिएशन होता है, वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं, वैसे ही पोस्ट प्रोडक्शन है, इसमें फिनिशिंग होती है, कोई भी वर्क जो आप निकालते हैं उसके जो फाइनल टच होता है उसकी जो फिनिशिंग होती है, ताकि जो ऑडियंस के सामने आपका कंटेंट आए वो बहुत अच्छा हो, वो चीज़ आपका पोस्ट प्रोडक्शन में होता है। ओके, अब पोस्ट प्रोडक्शन के लिए ये सारा काम कहाँ होता है, ये सारा काम जो होता है वो प्रोडक्शन हाउसेज में होता है। ओके, अब प्रोडक्शन हाउस क्या होता है, प्रोडक्शन हाउस जो है वो क्या बोलते, बेसिकली एक स्टूडियो होता है जहाँ पे ये सारे काम किए जाते हैं। प्रोडक्शन हाउस ही रिस्पॉन्सिबल होता है जो आपकी मूवीज बनाने के लिए, मूवीज के लिए। आई थिंक आदित्य आप ए, या आपने ए मेंशन किया है, आज हम लोग ए के ही बारे में जानेंगे। आई एम गोना टेल यू गाइस आल्सो कि क्या होता है। ये जो प्रोडक्शन हाउस होते हैं, जैसे यही होते हैं आपके बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी मूवीज को फिनिशिंग से लेकर आपके मूवीज को ऑडियंस तक ले जाने के लिए तैयार करने वाले। यहाँ पे सारे के सारे ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट काम करते हैं, जो कि प्री प्रोडक्शन वाले भी होते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन वाले भी होते हैं, एंड पोस्ट प्रोडक्शन वाले भी होते हैं। ये तीनों भाग डिविजन में होता है। ओके, लेट मी जस्ट शो यू गाइज एक एक रील देखते हैं, मैं आपको प्रोडक्शन हाउस के बारे में बताता हूँ। आप में से अगर किसी ने सुना हो तो मकूटा आर्ट्स के बारे में जानते ही होंगे। मकूटा एक प्रोडक्शन हाउस है बेसिकली, और इनका जो क्या बोलते फेमस वर्क्स हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने VFX इंडस्ट्री में काम किया है। इनके जो फेमस वर्क्स हैं वो आप जानते होंगे, बाहुबली रिसेंटली जो मूवी बहुत ज्यादा हिट हुई थी, इन मूवीज के बारे में आपने सुना होगा। ये प्रोडक्शन बेसिकली माकूटा प्रोडक्शन हाउस से ही निकली हुई है। लेट मी जस्ट शेयर यू गाइस।
जितने भी आप लोग लाइनिंग्स वाले आपको इमेजेस दिख रही हैं और जितने भी व्हाइट कलर की ये जो इमेजेस दिख रही हैं, ये बेसिकली 3D में क्रिएट की गई इमेजेस हैं, 3D सॉफ्टवेयर में। जैसे हमने अभी देखा कि जो VFX प्लस आपका 3D में जो भी आप क्रिएट करते हैं, बेसिकली VFX में क्या होता है, लाइव एक्शन। और आवाज रिपीट हो रही है, मेरी आवाज रिपीट हो रही है? यस सर। नो सर। ओके, आप जिसका स्पीकर ऑन होगा ना उसको आवाज रिपीट होगी मेरी, क्योंकि आपके स्पीकर से भी वो वॉइस आ रही होगी, राइट? तो एक ऑफ कर लेंगे, अगर स्पीकर या दो जगह से कनेक्ट होंगे तो भी वो इश्यू हो सकता है। ओके, तो जो हमने VFX की बात की थी कि बेसिकली VFX में लाइव और 3D दोनों ही मिक्स होता है, सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज दिख रही है कि ये जो कार वगैरह हैं और ये जो गाड़ियां, ये सारी कुछ 3D सॉफ्टवेयर में क्रिएट की गई हैं। माया एंड मैक्स जो मेजॉरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर हैं जो कि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, तो उसमें ये क्रिएट किया जाता है और फिर इन दोनों को मर्ज किया जाता है। सो आई एम गोना टॉक टू यू अबाउट द टेक्निक। आज हम लोग टेक्निक के बारे में जानेंगे कि कौन सी टेक्निक्स होती हैं। अभी लेटेस्ट की मूवीज जितनी हैं उन सब में माकुटा विजुअल इफेक्ट्स के काम हैं। वैसे ही आपके क्या बोलते रेड चिली VFX है, जो कि आपके शाहरुख खान की प्रोडक्शन हाउस है, में से वो भी VFX के बहुत सारे काम करते हैं। ये जो अभी आपने देखा कि ओरिजिनल में वीडियो में इतनी सी ही नाव थी और यहाँ पे उन्होंने और नाव ऐड की, ये बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर में किया जाता है और इसको मैट टेक्निक बोलते हैं। इसमें मैट होती है, यानी कि डिफरेंट टाइप की एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाता है, मल्टीपल चीजें ऐड की जाती हैं। जहां पे भी आप ग्रे कलर के और लाइनिंग्स वाले ऑब्जेक्ट देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि वो 3D का ही ऑब्जेक्ट है, बना हुआ ऑब्जेक्ट है। तो जरूरी नहीं है कि मूवी जो है वो हमेशा फैंटेसी हो, हमें कभी कभार जो नॉर्मल मूवीज हैं, जो ड्रामा मूवीज हैं, उनमें भी VFX यूज होता है। जितने भी ग्रीन और ब्लू कलर के पर्दे अगर आपको किसी भी VFX ब्रेकडाउन मूवी में दिखते हैं, जब भी आप लोग मूवीज देखते हैं तो आखिरी में ये लोग ये ब्रेकडाउन वीडियोस चलाते हैं जहां पे दिखाते हैं कि ये बनाया कैसे गया है। तो आप जहां पे भी ग्रीन कलर के पर्दे देखते हैं या ब्लू कलर के पर्दे देखते हैं, ये बेसिकली क्रोमा कहलाते हैं। ये एक टेक्निक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कीइंग इफेक्ट। कीइंग की मदद से हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एनवायरमेंट्स को अलग कर देते हैं, आसपास के जितने एनवायरमेंट हैं उनको अलग कर दिया जाता है। जैसे एक्टर जो है वो बेसिकली रियल रिस्क नहीं लेते हैं, तो हम लोग केवल उतना शॉट रखते हैं, रियल उतनी ही चीज होती है जितनी पॉसिबल हो, बाकी जितना भी एरिया रहता है वह सब कुछ जो है वो आपका ग्रीन क्रोमा और क्या बोलते ब्लू क्रोमा में लिया जाता है। और देख रहे हैं कि इसको एक्सटेंड जो किया है इन्होंने, यहाँ पे क्या बोलते एक 3D ट्रेन लगा दी है, प्लस उसके साथ साथ 3D एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। ये एक्चुअली में इस टेक्निक को बोलते हैं सेट एक्सटेंशन, यानी सेट को एक्सटेंड कर देना। तो सेट एक्सटेंशन टेक्निक में हम लोग को नॉर्मली ये सारी सॉफ्टवेयर्स की मदद पड़ती है, जो कि 3D सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी भी जरूरत पड़ती है।
जो क्लीनअप वर्क किया गया है ये पूरा का पूरा हमारे जो सॉफ्टवेयर जो अभी मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर दिखाऊंगा उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही किया जाता है। देखिए पूरा सिनेरियो जो है पूरा सीन ही 3D था ये पूरे शॉट में जहाँ पे दोनों शाहरुख खान के डबल आई थिंक फैन मूवी देखी होगी काफी लोगों ने बहुत ही अच्छी मूवी थी तो उसका जो एनवायरनमेंट था वो दिखा रहे थे वो यूरोप का एनवायरनमेंट बट वो एक्चुअली में थे यहीं पे एंड देन दे आर क्रिएटिंग इट इनटू अ 3D वर्जन। तो 3D सॉफ्टवेयर्स का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जब हम लोग VFX की बात करते हैं। जो इतने ढेर सारे आपने यहाँ पे लोग देखे इसमें से सामने के ही जो लोग हैं ये सामने के ही लोग रियल में थे जो शूट के समय पे रहे होंगे और जो पीछे के आपको पूरा जितना भी वाइट एरिया दिख रहा है ये सारा कुछ एक्चुअली क्राउड सिमुलेशन से तैयार किया गया है। इसके लिए एक और VFX का सॉफ्टवेयर होता है न्यूक, उस सॉफ्टवेयर का यूज करके हम लोग क्राउड सिमुलेशन क्रिएट करते हैं। सो आई थिंक अगर मैं ये VFX की रील्स दिखाते जाऊं तो ये तो बहुत ही ज्यादा यू नो एक्सटेंड होता जाएगा बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो प्रोडक्शन हाउसेस थे उनकी पर्टिकुलर रील थी उन्होंने देख रहे हैं आपके कितना ज्यादा वर्क हो रहा है और कितने बड़े पैमाने में ये वर्क करते हैं। बेसिकली अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो भारत में केवल एक साल में जो VFX इंडस्ट्री का कारोबार हो रहा है वो 70 अरब से ज्यादा हो चुका है। अभी हम एक साल में 70 अरब से अधिक विजुअल इफेक्ट्स के ही इंडस्ट्री में मनी जनरेट कर रहे हैं। अब विजुअल इफेक्ट्स जो है वो बेसिकली केवल एक क्वेश्चन है, पोस्ट प्रोडक्शन का एक फील्ड है। पोस्ट प्रोडक्शन बहुत बड़ी फील्ड होती है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी जगह होती है, बहुत सारे यू नो पार्ट होते हैं, बहुत सारी पोस्ट होती है, स्कोप ऑफ फील्ड होती है। तो अगर मैं बात करूं आपके स्कोप ऑफ फील्ड की विजुअल इफेक्ट्स में तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि VFX में बेसिकली दो पोर्शन होते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन में दो पोर्शन होते हैं। एक होता है आपका कंपोजिशन, जब हम लोग VFX करने जाते हैं तो हम लोग को दो पोर्शन मिलते हैं पोस्ट प्रोडक्शन में, एक होता है हमारा कंपोजिशन और दूसरा होता है एडिटिंग। नाउ
एक ऑप्शन है कि बेसिकली आप लोग नॉर्मली जो हमारी नॉर्मल जनता होती है या जो नॉर्मल पीपल होते हैं, जनरल लैंग्वेज में हम लोग सोचते हैं कि एडिटिंग का मतलब होता है कि इमेज में या वीडियो में कोई बदलाव ले आना, यानी कि कोई कलर चेंज कर देना या उसमें ग्लो इफेक्ट डाल देना, आग जला देना या कुछ इस तरीके के इफेक्ट डाल देना, तो हमने एडिट कर दिया उस चीज को। बट ऐसा हमारी लाइन में नहीं है। पोस्ट प्रोडक्शन लाइन में एडिटिंग का मतलब होता है वीडियो एडिटिंग, यानी वीडियो की कटिंग छटिंग, वीडियो की को शॉर्ट करना। अगर जब हम लोग लाइव एक्शन शूट लेते हैं, जब लाइव एक्शन मूवीज के शूट लिए जाते हैं, तो होता क्या है कि उसमें से जो कंटेंट निकलता है वो होता है करीब 4 दिन का, 3 दिन का, 3 दिन 4 दिन के वीडियोस होंगे, 10 10 दिन, 15 15 दिन का शूट रहता है, फॉरेन शूट्स लिया उन्होंने, तो 10 15 दिन के वीडियो फुटेजेस एक साथ मिलते हैं। अब आप 10 15 दिन, 20 दिन, मतलब अगर अगर आप रेगुलरली बैठेंगे और आप 15 20 दिन देखेंगे तब जाके वो खत्म होगा, इतना ज्यादा वीडियो कंटेंट रहता है। अब हम जब थिएटर्स में मूवीज देखने जाते हैं तो हमारे पास 3 घंटे का ही स्लॉट टाइमिंग होता है, वो भी एक्सटेंड करके, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 3 घंटे का स्लॉट टाइमिंग मिलता है। अब उसमें होता क्या है, 3 घंटे में आपको 15 दिन की मूवी जो है, अगर हम पूरी की पूरी दिखाएंगे तो 15 दिन लग जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपका एडिटिंग क्वेश्चन काम आता है, यहाँ पे वीडियो एडिटिंग काम आती है। वीडियो एडिटिंग बेसिकली क्या होती है, ये वो आर्ट होती है, ये वो टेक्निक होती है जिससे आप 15 घंटे या 20 घंटे या जितना भी बड़ा कंटेंट आपका है उसको आप कट करके, उसको शॉर्ट करके आप 3 घंटे में या 2 घंटे में शो कराते हैं मूवी को, चाहे वो मूवी हुई चाहे आपकी स्टोरी हुई, वट एवर इट मे बी। एडिटिंग का मतलब बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि आप जो भी इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं, जो भी आप आग लगाते हैं, एक्सप्लोजन क्रिएट करते हैं या दिन को रात करते हैं, ये सब एडिटिंग का क्वेश्चन नहीं होता है। पोस्ट प्रोडक्शन की लाइन में एडिटिंग का क्वेश्चन स्ट्रिक्टली रहता है, रिसाइड करता है आपका वीडियो की शॉर्टेज से। अगर आप वीडियो बहुत बड़ा है उस वीडियो को छोटा करना है। अब ये आर्ट है, ये भी एक आर्ट फॉर्म है, और ये किस तरीके से काम करता है। बेसिकली जब हमारे पास कोई वीडियो होता है तो उस वीडियो को शॉर्ट करना है, तो हमको क्या करना है, 15 दिन का वीडियो फुटेज है, एक स्टोरी है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से मिल रहा है, 15 दिन तक उसकी वार्तालाप चल रही है, उसकी बात हो रही है, और हमको उसको शॉर्ट करना है और 3 घंटे में लाना है। तो हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं, जिनमें से एक टेक्निक होती है कट्स, अलग अलग टाइप के कट्स होते हैं जिससे हम स्टोरी को नरेट करते हैं, एक एक जगह से स्टोरी को दूसरी जगह नरेट किया जाता है। इसके लिए हमें कट्स टेक्निक यूज करनी पड़ती है, ट्रांजिशन टेक्निक यूज करनी पड़ती है, मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं वीडियो एडिटिंग में। इसमें केवल डायरेक्टली वीडियो को कट नहीं किया जाता, वीडियो को कट करने का भी एक तरीका होता है जिससे स्टोरी का कोई भी वो भाग ना कटे, वो भाग अलग ना हो जिसमें आपका जो स्टोरी का मेन इम्पैक्ट है, जो स्टोरी का मूल है, वो अलग नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें जो है वो एक वीडियो एडिटर ही करता है। इसकी पूरी एक फील्ड होती है जिसमें आप एडिटर बनते हैं। ये वो लोग होते हैं जो पर्दे के पीछे मूवी में काम करते हैं। आप जितनी भी मूवीज आप देखते हैं जो आपको याद हो गई हैं या जो मूवीज आपको पसंद आई हैं अभी तक आपके, एम आई ऑडिबल टू एवरीबडी? यस सर। राइट, आवाज फेंट हो रही है अभी, बराबर आ रही है? अच्छी आ रही है सर। या यस सर। ओके, थैंक यू। तो जो एडिटर हैं वो बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि पर्दे के पीछे काम करते हैं। ये डायरेक्टर्स के साथ बैठते हैं, डायरेक्टर जो होता है वो इनको बताते जाता है कि मेरे को कौन सा सीन मूवी में रखना है, कौन सा सीन मूवी में नहीं रखना है, इनका क्रूशियल पॉइंट होता है। प्लस इसके साथ साथ कई ऐसे एडिटर्स होते हैं जो समझ जाते हैं कि कौन सा सीन एक्चुअल में होना चाहिए, कौन सा सीन नहीं होना चाहिए। तो जो सीन नहीं होना चाहिए, चाहे वो डायरेक्टर ने हाँ भी बोला हो, वो उसको कट कर देता है। तो ये अथॉरिटी उसके पास रहती है। इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब। और सॉरी,
जो भी आपको मूवी याद रह जाती है, या जो भी मूवी की आप बोलते हैं ना कि स्टोरी बहुत अच्छी थी, इसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी, ये सब कुछ जो है एक एडिटर की ही बदौलत होता है। वही डिसाइड करता है कौन सा सीन जो है वो मूवी में रहेगा और कौन सा सीन मूवी में नहीं रहेगा। ओके, तो वीडियो एडिटिंग, जब भी एडिटिंग की बात सुने तो हमेशा आप ये ध्यान रखें कि एडिटिंग मतलब वीडियो की शॉर्टेज, वीडियो की कटिंग करना। उसके लिए भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, सीन ट्रांजिशंस होते हैं, कटिंग टेक्निक होती है, इसके साथ साथ हमारा इसमें कलर करेक्शन भी आ जाता है। और एडिटिंग में वीडियो एडिटिंग के साथ साथ सिमिलरली ऑडियो एडिटिंग भी आती है। ऑडियो एडिटिंग में क्या होता है कि क्या बोलते हैं, साउंड डबिंग करना पड़ता है। जब भी कोई मूवी हम लोग रिलीज करते हैं तो मूवी बनाने से मतलब बेसिकली उसका उसका साउंड अलग से ही डाला जाता है। अगर आप लोग कभी कोई भी लाइव शूट देखते हैं तो जो साउंड लाइव में लिया जाता है वो साउंड कभी डाला नहीं जाता, वो केवल बैकअप के लिए रखा जाता है कि अगर आर्टिस्ट बाद में डबिंग के लिए अवेलेबल नहीं है तो हम उसी साउंड को यूज करते हैं। अदरवाइज डबिंग के लिए एक पूरा सेक्शन होता है, अलग से आर्टिस्ट आते हैं। जैसे शाहरुख खान हो गए, अगर वो मूवी शूट की उन्होंने और उसके बाद अगर वो क्या बोलते बेसिकली उन्होंने शूट कर दिया और उसके बाद वो सीधा स्टूडियो जाएंगे और स्टूडियो में उस सीन की साउंड डबिंग करते हैं, वो सिमिलरली उसी सीन को प्ले करेंगे और उतनी ही लय में, उतनी ही स्पीड में अपना डायलॉग फिर से बोलते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कई एक्टर्स जो हैं वो अपना ही डायलॉग दोबारा बोल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए फिर हम लोग बेसिकली आउटसाइड का जो साउंड रखे रहते हैं वहां पे, जो बूम माइक से लिया जाता है, एक माइक होता है बूम माइक, उससे लिया जाता है वो, एंड देन कैप्चर किया जाता है उसको। तो वो पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो बाद में हम लोग यहीं यूज कर लेते हैं। तो ऑडियो एडिटिंग के सेक्शन में क्या होता है, साउंड डबिंग आता है, नॉइज रिडक्शन आता है, अगर कोई बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइज हो रही है तो नॉइज रिडक्शन भी किया जाता है। इसके लिए भी अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, ये वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ही नहीं होता, उसमें तो होता ही होता है, उसके साथ साथ हम लोग ऑडिशन जैसे अलग सॉफ्टवेयर होते हैं उनको यूज करते हैं जिसमें हम लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं। ओके, तो ये पूरा आपके एडिटिंग का सेक्शन था जिसमें नॉर्मली क्या होता है आप लोगों ने अभी देखा। इसके लिए मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। हम लोग वीडियो एडिटिंग के लिए जो टॉप यूज करते हैं वो प्रीमियर प्रो ही यूज करते हैं, जो अभी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है प्रीमियर प्रो। FCP भी यूज किया जाता है, फाइनल कट प्रो भी यूज किया जाता है, बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं जिनमें ये काम होता है। आफ्टर इफेक्ट जो अभी कोई बोल रहे थे, आफ्टर इफेक्ट यूज करेंगे हम लोग बेसिकली, आज देखेंगे आफ्टर इफेक्ट को ही देखेंगे और वीडियो एडिटिंग उसमें भी पॉसिबल है, वो सॉफ्टवेयर दोनों काम करने के लिए उपयुक्त है, पॉसिबल है, तो हम लोग उसमें भी वर्क देखेंगे आज। एंड बात करते हैं थोड़ा सा कॉम्पोजिशन सेक्शन की, थोड़ा सा बेस क्लियर कर लें एंड देन फिर उसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर में जाएंगे। कॉम्पोजिशन टेक्निक जो होती है वो बेसिकली, आज का इस सेक्शन जो है वो पूरा वीडियो एडिटिंग एंड VFX का है, तो ये पूरा चलेगा 5 बजे तक, आई थिंक जब तक हमारा सब्जेक्ट चल रहा है तब तक चले, प्लीज बेयर विद दैट। ठीक है, तो हम लोग सॉफ्टवेयर में भी जाएंगे, थोड़ा सा ब्लेस क्लियर कर देता हूँ कंपोजिशन का। कंपोजिशन जो है वो बेसिकली आपका यहाँ पे आता है, आपका वीडियो में जो भी इफेक्ट आप डालते हैं वो चीज कंपोजिशन में आती है। कंपोजिशन का वर्ड का मतलब ही होता है चीजों को जोड़ना। अगर आप टर्मिनोलॉजी में जाएं, इंडस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में, तो वीडियो फुटेजेस जो निकलती हैं, जैसे लाइव एक्शन फुटेज थी और VF 3D फुटेज थी, इन दोनों फुटेजेस को आपस में जोड़ना और इनको ऐसा जोड़ना कि उन दोनों में कोई अंतर ना नजर आए, ऐसा लगे कि ये उसी जगह के हैं, सेम प्लेस के हैं, ये सब कुछ आपका कॉम्पोजिशन सेक्शन में ही होता है पूरा का पूरा।
फिल्मोरा को अभी ओके ऑडेसिटी वाज आल्सो देयर या चैट बॉक्स में देख सकते हैं, ऑडेसिटी के लिए भी बोला गया है। यस देयर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स इस चीज को करने के लिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बट राइट सो जितने भी हमारे जो इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, आज हम लोग थोड़ा सा हॉट सॉफ्टवेयर हॉट केक की बात करेंगे जो कि सबसे ज्यादा चल रहे हैं इंडस्ट्री में। सो कंपोजिशन सेक्शन के बारे में बात करते हैं। कंपोजिशन जो है वो बेसिकली मिक्सअप के लिए माना जाता है, यानी दो वीडियो फुटेजेस को, दो इमेजेस को, या बोलना चाहिए कि बेसिकली दो अलग अलग चीजों को एक साथ जोड़ने को, एक साथ मर्ज करने को कंपोजिशन बोलते हैं। इसमें खासकर जब मूवी लाइन में हम लोग बात करते हैं तो कंपोजिशन में क्या क्या होता है। कंपोजिशन में सबसे पहले विजुअल इफेक्ट जो है वो इसमें आता है, जो हमारा विजुअल इफेक्ट जो सेक्शन है वो कंपोजिशन के अंदर आता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम अलग अलग तरीके के इफेक्ट डालते हैं वीडियोस में, चाहे लाइटनिंग हो गया, बिजली गिर रही है, एक्सप्लोजन हो रहा है, इस तरीके के जितने भी चीजें हैं वो सब हमारे इसमें आते हैं। प्लस इसमें क्रोमा भी होता है, क्रोमा की जो अभी मैंने बात किया था, क्रोमा की जो है वो बेसिकली ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट होता है, जिसमें पीछे का पर्दा को अलग करके उसकी जगह कोई दूसरा बैकग्राउंड डालना, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। तो क्रोमा की जो है वो इसके अंदर आती है, कलर करेक्शन भी इसके अंदर आता है, सीसी। कलर करेक्शन का मतलब वो होता है कि जब आप शूट लेते रहते हैं तो कई बार लाइट्स जो है वो मैच नहीं होती, क्योंकि ग्रेजुअली समय जो है वो भागता रहता है। अब आपने मॉर्निंग में दो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, शाहरुख सलमान सामने आमने सामने बैठे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उनको सेम उनका कॉन्वर्सेशन जो है वो खिंचता गया और दिन तक खिंच गया, वो शूट जो है वो दिन तक खिंच गया या रात तक खिंच गया, लेकिन हमें तो वो फुटेज 15 मिनट की ही दिखानी है। 15 मिनट में तो हम नहीं दिखा सकते ना कि समय जो है वो दिन से रात हो गया। सो हमको वो टाइम मेंटेन करना रखता है, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, एक कलर थीम दे देते हैं, उसको हम लोग कलर करेक्शन बोलते हैं, कि जहां पे भी कोई कलर ऐसा आ जाता है जैसे समय के कारण या किसी और ने लाइट जला दिया या किसी और कांच का एक्सपोजर आ गया चेहरे पे, अब दोबारा से फोटो शूट लेने जाएंगे या वीडियो शूट लेने जाएंगे तो हो गया, क्योंकि उसमें इतना एक एक वीडियो शूट का जो नॉर्मल मूवी का खर्चा होता है वो कई लाखों में चला जाता है, एक दिन का खर्चा तो वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट जो होते हैं ना ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, चाहे हम मूवी लाइन की बात करें, चाहे वीडियो गेमिंग लाइन की बात करें, चाहे आपके एडवर्टाइजमेंट लाइन की, विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि क्या है ये गिरती मूवी को भी बचा लेते हैं अपने आर्ट फॉर्म से। तो इसमें किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिएगा। सो कलर करेक्शन जो है वो बेसिकली आपका इस जगह पे यूज होता है, कलर करेक्शन टेक्निक होती है, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती है और हर चीज के लिए अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं। विजुअल इफेक्ट्स ऐड करने के लिए अलग फील्ड है, यहाँ पे मल्टीपल टाइप के आर्टिस्ट होंगे, अलग अलग तरीके के आर्टिस्ट मिल जाएंगे। क्रोमा के लिए अलग आर्टिस्ट होते हैं, कलर करेक्शन के लिए अलग आर्टिस्ट होते हैं, इसमें और भी टेक्निक होती है जिसमें रोटोस्कोपिंग बोलते हैं। रोटोस्कोपी वो टेक्निक होती है जिसमें हम लोग कहीं से भी कोई भी वीडियो फुटेज उठा सकते हैं और कुछ एक हिस्सा अगर हमको डालना होगा रियल वर्ल्ड में तो हम लोग कटिंग करके वीडियो में से ही कोई भी पार्ट कट करके बाहर निकाल लेते हैं, इसको मास्किंग टेक्निक भी बोलते हैं। एंड इसके साथ साथ जो हमारा अभी सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है और जो आपने एवेंजर्स में सबसे ज्यादा देखा है वो है 3D ट्रैकिंग या मोशन ट्रैकिंग जिसको बोलते हैं। ये टेक्निक जो है ये बहुत ज्यादा मेन टेक्निक है क्योंकि ये अभी सबसे ज्यादा यूज हो रही है, चाहे एवेंजर्स की मूवीज देख लें, चाहे DC की मूवीज देख लें, चाहे आप इंडियन मूवीज देख लें,
जो बाहुबली थी, इन सब जगहों पे मोशन ट्रैकिंग की टेक्निक्स यूज हुई है। इसमें क्या होता है कि वीडियो जो है वो मूव करता रहता है, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पे मूव करता रहता है। तो उसमें आपको अपना कोई भी ऑब्जेक्ट या 3D का बनाया हुआ, चाहे वो सांड ही है बाहुबली का, अगर उसको आपको वहां पे फिक्स करना है और ऐसा दिखाना है कि वो सांड जो है वो वीडियो की स्पीड के साथ साथ वो भी दौड़ रहा है, तो उसके लिए ट्रैकिंग करनी पड़ती है। उसके लिए हमको एक कंप्यूटर जनरेटेड पाथ तैयार करना पड़ता है जिसमें आप वो सांड को फिक्स कर देते हैं और वो वीडियो के साथ साथ दौड़ता है। तो देर आर मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल ट्रैकिंग थिंग्स हैं यहाँ पे, हम लोग देखेंगे। सो बिफोर दैट आई थिंक कंपोजिशन और हमारा एडिटिंग का इंट्रोडक्शन, एक बेसिक फाउंडेशन तैयार हो गई है। मैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर ऑन कर रहा हूँ, ठीक है? हम लोग देखेंगे कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से वर्क करता है। किशु आर आर, डेफिनेटली आपको मैं बता दूंगा कि मैंने कितनी मूवीज में ग्राफिक डिजाइनिंग की है, VFX किया है। आई थिंक मैंने लाइक मेरा एक्सपीरियंस जो है वो 15 साल का है, ठीक है? तो या आई वर्क क्वाइट अ लॉट। और जो सॉफ्टवेयर जो है वो बेसिकली आपका आफ्टर इफेक्ट है, अभी हम लोग आफ्टर इफेक्ट देखेंगे, ठीक है? ओके, तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर पे ले जा रहा हूँ। देन यू गाइस कैन सी कि सॉफ्टवेयर कैसा है, और हम सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा, आई एम गोना गिव यू एन ओवरव्यू अबाउट द सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर की को किस तरीके से ऑपरेट करना है। फोटोशॉप को जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था ना, कैनवास वगैरह था, टूल्स वगैरह थे, तो वो उसमें प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि जब हम लोग डायरेक्ट अपकमिंग क्लासेस में जाएंगे तो हम लोग जल्दी जल्दी से कुछ ना कुछ नया बनाना सीखेंगे, राइट? सिमिलरली अभी आफ्टर इफेक्ट आपके सामने ओपन है, ओपन है तो कंफर्मेशन दीजिएगा। स्क्रीन ओपन है, देख यस रहे हैं सर, अभी? ओपन है, यस राइट, ओपन है, ओके गुड, सर। राइट। तो ये आफ्टर इफेक्ट है। ये सॉफ्टवेयर जो है ये आपका पहली लाइन ऑफ सॉफ्टवेयर होता है किसी भी पोस्ट प्रोडक्शन में, यानी कि कोई भी मूवी जो निकलती है आपकी, वो इस सॉफ्टवेयर से हुए बिना, इस सॉफ्टवेयर से पास हुए बिना जाती ही नहीं है कहीं पे भी। सबसे पहले इसमें ही आती है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो है ये बेसिकली बहुत ही अच्छी विजुअल इफेक्ट या बहुत ही अच्छी वीडियो एडिटिंग की फाउंडेशन तैयार करता है, बहुत ही अच्छी, ठीक है? तो इससे हट के कोई और सॉफ्टवेयर में नहीं जाते हैं, इसके बाद एडवांस सॉफ्टवेयर्स ऐड होते हैं, दैट विल बी देयर। सो एक और फन फैक्ट है आप लोगों के लिए कि जो मूवीज हैं, आप में से कोई अगर बता सकता है क्या कि कौन सा देश है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मूवीज क्रिएट करता है? इंडिया, दैट्स गुड, ओके। कितनी, क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि कितनी मूवीज क्रिएट करता है। 4,000, 2,000, एनीवन? कोई और है जो डेफिनेटली 300 फॉर ईयर, 1,500 फॉर ईयर, मोर देन 10,000? माय गॉड, 10,000! ओह, दैट्स टू मच ऑफ अ, डेली देखेंगे तब भी ना होगा यार 4,000। ओके गाइस, ठीक है, आप लोग ने बहुत अच्छे अच्छे आंकड़े दिए हैं, डेफिनेटली ये आगे होने वाला है। इनमें से सबसे ज्यादा जो क्लोज थे वो मिस्टर कबीर और रवि गए हैं, सबसे ज्यादा क्लोज, नॉट एक्यूरेट लेकिन क्लोज गए हैं। हम लोग जो एवरेज इंडिया जो एक साल में मूवीज निकालती है वो अप्रोक्सीमेटली 1,200 मूवीज होती हैं, ये एक्चुअली 1,200 मूवीज निकाली जाती हैं। इट्स नॉट 2,000, हम लोग 2,000 मूवीज बहुत ज्यादा होती है। 1,200 मूवीज मतलब बनाना, मूवी बनने में ही गाइस बहुत टाइम लगता है, राइट? बॉलीवुड, टॉलीवुड, छॉलीवुड, हम लोग भी तो काउंट करेंगे ना छत्तीसगढ़ को, ऐसा नहीं है, और भी कई रीजनल हैं। तो या रॉक्स गेमिंग वॉज राइट, 1,200 मूवीज जो हैं वो बेसिकली आपकी इंडिया से निकलती हैं, जिसमें मेन स्ट्रीम मूवीज जो हैं वो बॉलीवुड की ही कहलाती हैं, लेकिन जो राइट या रॉक्स गेमिंग, तुम्हारा नाम क्या है रॉक्स गेमिंग? मेरे को नाम नहीं पता है, ठीक
प्लीज शेयर अस योर नेम. इट्स 1200 राइट. ओके कोई और नो मोर नंबर गाइस. ठीक है तो ये जो मूवीज हैं ये बेसिकली हमारी और रीजनल मूवीज भी होती है. दो टाइप की मूवीज होती है ना, एक मेन स्ट्रीम मूवीज होती है. या आयुष गुड. तो एक मेन स्ट्रीम मूवी होती है और एक आपकी होती है रीजनल मूवी. रीजनल मूवीज जो होती हैं वो बेसिकली छोटे छोटे प्रांतों से आई हुई होती हैं या अलग प्रांतों से आई होती है. और एक जो है वो बॉलीवुड से निकली मूवी होती है. इसमें जो रीजनल मूवी थी जिसने अभी रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज्यादा आंकड़ा यू नो मनी गैदर करने का, वो बाहुबली थी. क्योंकि वो टॉलीवुड से आई हुई मूवी थी, मेन स्ट्रीम मूवी लाइन की नहीं थी बट स्टिल रीजनल थी. उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज जो है वो साउथ की थी. सो नाउ ऐसे ही हमारी चॉलीवुड जो है वो भी मूवीज निकालते हैं. तो ये सब जब एक्यूमुलेट होता है ना तो हम लोग 1200 करीब मूवीज एक साल में प्रति साल रिलीज करते हैं. दैट इज लाइक लॉजिकली पॉसिबल, लॉजिकल पॉसिबल होता है क्योंकि एक मूवी बनाने में कम से कम 8 महीने का समय लगता है. इट इज लाइक कम से कम, अगर बहुत ही कम बजट की मूवी है, शॉर्ट स्टोरी लाइन है, तो 8 महीना तो आप कहीं नहीं गया. और शॉर्ट मूवीज जो हैं जो 2 मिनट 3 मिनट की क्लिप्स होती हैं या 4 मिनट की क्लिप्स होती हैं यही लग जाते हैं, करीब महीनों लग जाते हैं, 1 महीना 2 महीना अप्रोक्सीमेटली 3 महीना पूरा जब यू नो वीडियो एडिटिंग वगैरह करके जब निकलती है तो मूवीज में लगता है. ओके सुनाओ सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन है. इस सॉफ्टवेयर को भी हम लोग कल की ही तरह जैसे हमने फोटोशॉप को डिवाइड किया था उसी तरीके से आज भी सॉफ्टवेयर को हम डिवाइड करेंगे. इसको ज्यादा यू नो इसका इंटरफेस जो है वो इतना ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं है, इतना अट्रैक्टिव भी नहीं है, बट स्टिल ये बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव है. इंट्यूटिव का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज है, बहुत आसानी से आप इसको यूज कर सकते हैं. तो इसके जो देखिए पैनल्स जो हैं, 1 पैनल 2 पैनल 3 4 5 5 पैनल में डिवाइड कर देते हैं इसको. इवन दो ये पूरा पैनल एक ही है बट फिर भी हम इसको 5 पैनल में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले जो है वो आपको मेन्यू बार मिलता है. मेन्यू बार जो है वो सारे सॉफ्टवेयर में आपको सिमिलर मिलेगा, आपको कोई भी अलग चीज नहीं मिलेगी यहाँ पे. अगर जो सॉफ्टवेयर आपको ऑफर कर रहा है, जो भी ऑप्शन ऑफर कर रहा है, वो सब ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं. ये मेन्यू बार सिस्टम होता है. इसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट जो पैनल है इसके साथ इफेक्ट कंट्रोल भी होता है. हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें जाना है. बट प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली ये वो जगह होती है जहाँ पे आप सारे के सारे फाइल्स जो होती है ना, जैसे वीडियो कंटेंट हमने निकाला था प्रोडक्शन से जो आई रहती है मूवीज, चाहे वो लाइव एक्शन हो, चाहे आपका क्या बोलते 3D का बनाया हुआ वीडियो हो, वह सब कुछ जो है वो आपका इधर ही जाएगा. सबसे पहले फाइल इधर डाली जाती है, इंपोर्ट की जाती है, जो भी फाइल है वो सब इधर आती है पहले. इसके बाद क्या करते हैं, जो पैनल यूज होता है वो आता है आपका ये पैनल, राइट. ये पैनल एक्चुअली में लेयर पैनल होता है. जो हमारा फोटोशॉप में लेयर पैनल था वैसा ही लेयर पैनल जो है वो बेसिकली आपका आफ्टर इफेक्ट में ये पैनल होता है. क्योंकि आफ्टर इफेक्ट जो है, मैं प्रेजेंट हो रहा हूं ना, स्क्रीन दिख रही है? राइट. तो ये जो पैनल है ये लेयर पैनल है. ये कैसे काम करता है मैंने प्रीवियसली बताया था, फोटोशॉप जो की लेयरिंग कैसे काम करती है, ताश के पत्तों की तरह, जिसमें जो ऊपर वाला पत्ता है वो सबसे पहले दिखता है, जो नीचे वाला है वो बाद में दिखता है. सिमिलरली हमारा आफ्टर इफेक्ट जो है वो भी सेम तरीके से काम करता है. इसमें क्या होता है, इसमें भी जो लेयर ऊपर होगी वो पहले दिखेगी, जो लेयर नीचे होगी वो बाद में दिखेगी. इसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन आपको दिख रहा होगा जहाँ पे छोटी छोटी डॉट डॉट लाइनें बनी हुई हैं. टाइम रूलर करके आपको दिखाया होगा, ऊपर में एक बार दिख रहा है और एक छोटी सी जगह यहाँ पे दिख रही है. ये बेसिकली टाइमलाइन कहलाती है. टाइमलाइन का मतलब ये होता है कि जो भी वीडियो आप कटिंग करते हैं, वीडियो की एडिटिंग करते हैं, वीडियो की टाइम के अकॉर्डिंग जो लेंथ आप सेट करते हैं ना, कि वीडियो जो है वो 4 सेकंड का होगा कि 10 सेकंड का होगा कि 12 सेकंड का होगा, या 12 सेकंड के वीडियो को अगर 2 सेकंड में लाना है, यह सारा काम जो है वो टाइमलाइन से किया जाता है. पूरा टाइम के अकॉर्डिंग, यहाँ पे पूरी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको
मिलता है, सारा सेटिंग यहाँ पे मिलता है आपको, जो भी आपको टाइमिंग्स के लिए करना है। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग कि एक शॉर्ट सा छोटा सा वर्क देखेंगे एंड देन वी गोना यू नो वाइंड अप ऑन दैट। अब यहाँ पे देखिए क्या बोलते, ये जो पैनल आपको बीच में दिख रहा है, यहाँ पे न्यू कंपोजिशन लिखा है और न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज लिखा हुआ है। ये जो सेक्शन है ये आपका, मैंने बताया था फोटोशॉप जो में जो कैनवास होता था जिसमें हम लोग काम करते थे, सिमिलरली वैसा ही कैनवास यहाँ पे भी होता है कंपोजिशन सेटिंग में। आफ्टर इफेक्ट में मैंने बताया ये वीएफएक्स यानी पोस्ट प्रोडक्शन का सॉफ्टवेयर है। पोस्ट प्रोडक्शन में दो भाग होते थे, पहला होता था कंपोजिशन, दूसरा होता था एडिटिंग। तो ये कंपोजिशन सॉफ्टवेयर है, इसके कारण से इसमें सारे काम जो होंगे वो कंपोजिशन में बनेंगे, यहाँ पे कंपोजिशन ही होगा। ठीक है, तो जहां पे भी आप कंपोजिशन टैब देखेंगे इसका मतलब समझ जाइए कि यहाँ पे मिक्सिंग होती है। तो ये जो विंडो है ये आपका फाइनल टच यानी फाइनल वीडियो प्रीव्यू यहाँ दिखाता है। ओके, यहाँ पे फाइनल वीडियो प्रीव्यू दिखाता है, यहीं पे मेन वीडियो रहेगा आपका। तो और राइट में जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे एक छोटा सा पैनल आपको दिख रहा होगा जिसमें पैराग्राफ लिखा होगा, कैरेक्टर लिखा होगा, यू नो इफेक्ट्स एंड प्रीसेट लिखे होंगे। ये जगह है जहां से इफेक्ट डाले जाते हैं, जो भी इफेक्ट आप देखते हैं, चाहे गाड़ी चल रही है तो आसपास का एरिया ब्लर हो रहा है, अगर आपको आग डालना है या कुछ भी डालना है, वह सारा कुछ जो है वो आपको इस सेक्शन पे मिलेगा। इसको इफेक्ट्स एंड प्रीसेट बोलते हैं। ओके, एंड यहाँ पे एक छोटा सा बार आपको दिख रहा है, देखिए इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे पूरी की पूरी गैलरी ओपन हो गई है इफेक्ट्स की, जो कि वीडियोस में आप डायरेक्टली डाल सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पैनल दिख रहा है, ये ऑप्शन बार नहीं है जैसा फोटोशॉप में होता था, ऊपर में टूल्स के अकॉर्डिंग सेटिंग्स के अकॉर्डिंग ऑप्शन बार आते थे, यहाँ पे ऑप्शन बार नहीं होते। यहाँ पे बेसिकली क्या मिलेंगे हमको, टूल्स ही मिलेंगे। यहाँ पे ये टूल बार है, छोटा सा टूल बार है जिसमें यू नो शॉर्ट जल्दी जल्दी हमको क्या बोलते जो भी वर्क करने के लिए टूल्स चाहिए हैं वह सारे हमको यहाँ मिलेंगे जितना भी है। ओके, सो अगर इसमें वर्क शुरू करना है, करंटली हम लोग आज हम लोग फुली फ्लेज्ड वर्क में नहीं जाएंगे, आई एम गोना शो यू अ वेरी लिटिल अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क जो कि आप भी ट्राई कर सकते हैं, इंस्टॉल करेंगे जब सॉफ्टवेयर उसके बाद ट्राई करेंगे। तो कैसे करना है, शुरुआत में इस स्क्रीन पे क्लिक कर सकते हैं, हमको चाहिए क्योंकि ये कॉम्पोजिशन क्रिएट करता है, हमें कॉम्पोजिशन क्रिएट करना है तो आप न्यू कॉम्पोजिशन पे क्लिक कर दीजिए। आपको डेफिनेटली एक डायलॉग बॉक्स आएगा, आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा एंड डायलॉग बॉक्स में देखिए यहाँ पे मल्टीपल सेटिंग्स है और ये सेटिंग्स कई बार बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है अगर आपको नॉर्मल टर्मिनोलॉजी पता नहीं हो। तो थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ राइट, कि ये होता क्या है, ये बेसिकली आपके वीडियो के साइज को, कौन से साइज को, स्क्रीन के साइज को डिनोट करता है। यहाँ पे आप उसके स्क्रीन साइज को सेट कर सकते हैं कि आपका जो वीडियो है वो आप किस चीज के लिए बना रहे हैं। अगर आप अपने मोबाइल के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे विड्थ और हाइट में मोबाइल की सेटिंग होगी, और अगर आप लैपटॉप के लिए बना रहे हैं, कंप्यूटर के लिए बना रहे हैं, तो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसका साइज यहाँ देना पड़ता है, विड्थ यानी कि चौड़ाई और हाइट यानी कि लंबाई। तो विड्थ और हाइट आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। वहीं अगर हम बड़े पर्दे पे शुरू करते हैं तो क्या होता है, मूवीज में जब हम लोग फिल्म लाइन की बात करते हैं तो इनका खुद का बना हुआ ना एक स्टैंडर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन। आप लोग ने बहुत सुना होगा ये रेजोल्यूशन, HD रेजोल्यूशन, DV रेजोल्यूशन राइट, HD TV रेजोल्यूशन और 4K रेजोल्यूशन, 8K रेजोल्यूशन, ये सारा कुछ आप लोगों ने सुना होगा राइट। ये जितना भी रेजोल्यूशन है ये बेसिकली आपका क्या बोलते यहां मिलता है। अगर आप प्रीसेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बना बनाया पूरा का पूरा रेजोल्यूशन मिलेगा राइट।
अब इसमें आप देख रहे होंगे ढेर सारे हैं, बट कुछ कुछ चीजें कॉमन दिखती, जैसे एनटीएससी डीवी जो है वो आपको डेफिनेशन वीडियो मिल जाएगा, वाइड स्क्रीन मिल जाएगी, और यहाँ पे देखिए 23.976 ऐसे नंबर लिखे हुए हैं। इनको समझना बहुत ही आसान है क्योंकि ये वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। एनटीएससी जो है ये टेक्नोलॉजी होती है, ये बेसिकली आपके स्क्रीन पे वीडियो को दिखाने की टेक्नोलॉजी होती है। तो अगर एनटीएससी है तो ये हमारे भारत का फॉर्मेट नहीं होता है, नॉर्मली हमारे भारत में पाल फॉर्मेट यूज होता है। ये प्रीवियसली जो सीआरटी मॉनिटर्स थे तब से चला आ रहा है कि जो पाल यूज करते थे प्रीवियसली, और अभी जो एचडीवी हाई डेफिनेशन वीडियो एचडीटीवी राइट 1080 1080, अब दोनों 1080 है, लेकिन देखिए एक 25 है और एक 29.97 है। ये जो वर्ड है 29.97 या 25 या आपको 30 मिलेगा, ये जितनी भी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही हैं, ये जो नंबर्स हैं ये एक्चुअली में फ्रेम पर सेकंड होते हैं। फ्रेम पर सेकंड क्या होता है, जैसे कि मैंने प्रीवियसली क्लासेस में आपको फोटोशॉप में बताया था पिक्सल क्या होता है, आप लोगों को मैम ने बताया था राइट, सबसे छोटा कंपोनेंट इमेज का पिक्सल होता है। वैसे ही हमने एनिमेशन में देखा था कि सबसे छोटा कंपोनेंट एनिमेशन का फ्रेम होता है, और मल्टीपल फ्रेम से मिलके एक वीडियो बनता है। जब हम कंपोजिशन में आते हैं तो जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है वो फ्रेम होता है, और यहाँ पे फ्रेम पर सेकंड सेट किया जाता है। फ्रेम पर सेकंड का मतलब होता है वीडियो को प्ले करने की स्पीड, वीडियो को किस तरीके से प्ले किया जाए, ठीक है। अब 24 फ्रेम पर सेकंड ये जनरल एक स्टैंडर्ड होता है मूवी का, 24 फ्रेम पर सेकंड, 24 फ्रेम मतलब एक सेकंड में 24 पिक्चर आपको दिखाई जाती है वीडियो में। तो जो हमारी जनरल वर्ल्ड है, जो हमारा रियल वर्ल्ड है, वो 24 फ्रेम से लेकर 30 फ्रेम तक काम करता है। यानी 24 से लेकर अगर आप 30 फ्रेम तक रखेंगे तो आप रियल टाइम वर्ल्ड, जो हमारा असली वर्ल्ड है, उसकी स्पीड में काम करेंगे। जैसे ही फ्रेम्स बढ़ाते जाएंगे तो वीडियो स्लो होता जाएगा, स्लो मोशन होता जाएगा, और वैसे जैसे ही फ्रेम्स कम करते जाएंगे वीडियो के फ्रेमिंग स्पीड बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है, तो इसको फ्रेम पर सेकंड बोलते हैं। तो अगर आपका वीडियो, कई बार होता है ना कैमरा जो है ना वो 25 FPS में लेना शुरू कर देता है, वो सेटिंग के ऊपर होता है। तो अगर मान लीजिए आपने वीडियो सेटिंग जो है वो 25 फ्रेम की ली है और आपको दिखाना 30 फ्रेम्स पर सेकंड में है, तो यहाँ से 29.97 सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको वो उतने ही स्पीड में वीडियो प्ले करेगा, राइट। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे आप मैन्युअली सेट कर सकते हैं, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 24 सेट है, क्योंकि 24 सेट फ्रेम पर सेकंड जो है वो जनरल है, कॉमन है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है पूरे वर्ल्ड में, इतने ही स्पीड में वीडियो प्ले होगा। वीडियो की स्पीड को फ्रेम्स पर सेकंड से नापा जाता है, यूनिट किया जाता है, जैसे किलोमीटर पर आर होता है ना, वैसे ही हमारे यहाँ FPS होता है, फ्रेम पर सेकंड होता है। रेजोल्यूशन जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये रेजोल्यूशन जो है वो बेसिकली आपके वीडियो की क्वालिटी गिराएगा नहीं, ये बेसिकली जब आपका कंप्यूटर हैवी होता है तो उसमें काम करने के लिए आप रेजोल्यूशन को कम कर देते हैं। तो ये आपके फाइनल वीडियो पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो इसको बाय डिफॉल्ट क्वार्टर में ही रखिए, सबसे कम में रखिए ताकि फास्ट काम कर पाए आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टार्ट टाइम कोड लिखा है और ड्यूरेशन लिखा हुआ है। ये जो स्टार्ट टाइम कोड और ड्यूरेशन है ये बेसिकली आपके वीडियो की लेंथ बता रहा है, यानी वीडियो कितना बड़ा रखना है, 5 मिनट का रखना है, 10 मिनट का रखना है, या 10 सेकंड का रखना है, 30 सेकंड का रखना है, ये सब कुछ आप यहाँ से रख सकते हैं। तो इसका जो काम है ये कैसे काम करता है, ये जो पहली यूनिट है ये आवर की होती है, यहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा का वीडियो जा सकता है। ये जो अवधि होती है, जो सेकंड यूनिट होती है, वो मिनट की होती है, फिर सेकंड आता है, और लास्ट में मिली सेकेंड नहीं आता है, मिली सेकेंड नहीं होता है मूवी लाइन में, लास्ट में फ्रेम्स हो जाते हैं, ओके। तो अब हम यहाँ पे जीरो कर देते हैं क्योंकि हमको 5 मिनट का वीडियो नहीं बनाना है, 5 मिनट का वीडियो बहुत बड़ा कंटेंट होता है।
तो हम यहाँ पे बेसिकली 10 सेकंड का वीडियो बनाएंगे, और वीडियो का बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक रखना है, ग्रे रखना है, रेड रखना है, जैसा भी आपको बैकग्राउंड रखना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो जनरली सॉफ्टवेयर में ये सारी सेटिंग पहले से की हुई होती है, और ये जो आप विड्थ और हाइट देख रहे हैं, ये विड्थ और हाइट आपके कंप्यूटर की स्क्रीन वो पहले से ही ले लेता है, बट अगर ना ले तो आप अपनी मर्जी से अपनी स्क्रीन डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम ओके कर देते हैं, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे सडनली वो दोनों टैब गायब हो गए और मेरे पास क्या आ गया, एक विंडो आ गया है। अब फोटोशॉप में हम लोग कैनवास विंडो बोलते थे, जिसमें पेंटिंग करते थे हम लोग, ड्रॉ करते थे, पेंटिंग और एनिमेशन क्रिएट करना था वो कैनवास में होती थी। यहाँ पे कॉम्पोजिशन विंडो कहलाता है, इस कॉम्पोजिशन विंडो में ही सारे के सारे फाइनल आउटपुट, फाइनल वीडियो सारा कुछ इसमें होता है। और यहाँ पे जो छोटे से ऑप्शन है ना, ये व्यू के कैमराज के ऑप्शन है, मल्टीपल कैमराज के ऑप्शन है, लेटर ऑन हम लोग देखेंगे उसको बाद में। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे लेयर विंडो पे कोई लेयर नहीं है, यहाँ पे हमारे पास अभी कोई फुटेज नहीं है, तो आज हम लोग फुटेज नहीं डालेंगे, आज हम लोग देखते हैं कि आफ्टर इफेक्ट के अंदर ही कौन कौन से ग्राफिक क्रिएट होते हैं, और बाद में फिर हम लोग अपकमिंग क्लासेस में कुछ ओरिजिनल फुटेजेस पे काम करेंगे। ओके, नाउ तो अगर कोई भी आपको डिजाइन क्रिएट करना है, अगर आफ्टर इफेक्ट के अंदर, आफ्टर इफेक्ट में ही अगर हमको कोई ग्राफिक क्रिएट करना है, तो हमको सिंपली इसके लेयर पैनल पे राइट क्लिक करना रहता है। लेयर पैनल पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, आप लोगों को ये बॉक्स दिख रहा है, एम आई ऑडिबल? यस सर। राइट, बहुत देर से यू नो नोबडी वाज रिस्पोंडिंग, तो मुझे लगा कि शायद किसी को आवाज तो नहीं। ओके, सो नाउ ये जो छोटा सा बॉक्स ओपन हुआ, इसमें न्यू पे जाएंगे, और न्यू पे आपको क्या मिलेगा, मल्टीपल टाइप्स की ऑप्शंस मिलेंगे, ये सारे के सारे लेयर ऑप्शन है, हर एक तरह के एक लेयर होती है। तो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, दैट मींस टेक्स्ट लेयर है, यानी इस लेयर पे हम केवल लिख सकते हैं। सॉलिड लिखा हुआ है, तो दैट मींस ये आपको कलर प्रोवाइड कराएगा, ये एक ऐसी लेयर प्रोवाइड करा देगा जिसके अंदर पूरा पूरा कलर है। लाइट जो है, इसके अंदर आर्टिफिशियल लाइट्स भी होती हैं, जिसमें हम डायरेक्टली पूरे सीन की लाइट क्रिएट कर देते हैं। कैमरा, डिजिटल कैमरा जो होता है वो भी इसमें होता है, इसमें पूरी कैमरा प्रोजेक्शन वगैरह सारा काम होता है इधर पे। नल ऑब्जेक्ट, आई एम गोना टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन, ये बहुत ज्यादा इन डेप्थ का पॉइंट है, तो अभी हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। शेप लेयर, ये हम अभी यूज करेंगे। शेप लेयर एक्चुअली मल्टीपल टाइप के शेप्स क्रिएट करने के लिए यूज होता है, वैरायटी ऑफ शेप्स इसमें क्रिएट होते हैं, तो हम लोग ग्राफिक क्रिएट करने के लिए शेप लेयर यूज करते हैं। एडजस्टमेंट लेयर, एडोब फोटोशॉप फाइल, फोटोशॉप की अगर कोई फाइल होगी वो ले आना है। सिनेमा 4D एक 3D सॉफ्टवेयर है, जो कि क्या बोलते हैं, VFX के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, तो आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हैं। अगर कोई सिनेमा 4D में काम करता है तो वहां से इसकी फाइल डायरेक्टली आफ्टर इफेक्ट में ला सकता है, आफ्टर इफेक्ट बहुत जल्दी उसको सपोर्ट करेगा। तो हम लोग अभी अपने वर्क के लिए, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लेयर भी दिख रही है, आई एम गोना टॉक अबाउट दिस। ये क्या करती है, एडजस्टमेंट लेयर जो है वो किसी का फेस कलर करना हो या पूरे सीन, पूरे वीडियो का कलर चेंज करना हो, वो सारा काम ये अकेले कर लेती है। तो इट्स एडजस्टमेंट लेयर, इसीलिए इसका नाम एडजस्टमेंट रखा गया है, क्योंकि ये कलर एडजस्टमेंट्स करती है। तो यहाँ पे एक शेप लेयर है, मैं शेप लेयर ले रहा हूँ, तो देखिए जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, क्या हुआ, ना ही मेरे कैनवास पे या मेरे कॉम्पोजिशन विंडो पे कुछ नजर नहीं आया मुझे, क्योंकि कुछ है ही नहीं, ये शेप लेयर एक्चुअली में खाली है। तो ये जो लेयर है, ये बेसिकली आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दिखती है, और यहाँ पे एक नाम है शेप लेयर 1, तो इसमें राइट क्लिक करके रीनेम कर देंगे। अगर हम इसको रीनेम कर देते हैं, हमेशा अपनी लेयर का नाम रखना जरूरी होता है, ये एक बहुत अच्छी आदत है, ग्राफिक डिजाइनर हो, चाहे एक वीडियो एडिटर हो या एक विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट हो, आपको अपनी लेयर्स के नाम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रखने चाहिए।
तो ये जो शेप लेयर है, ये बेसिकली आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन इसके दिखेंगे, बट इसका जो मेजर ऑप्शन है वो कहाँ मिलेगा आपको? ऑप्शन बार में। बेसिकली यहाँ पे टूल बार भी ऐड है और ऑप्शन बार भी ऐड है, दोनों बार एक साथ जोड़ दिए गए हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो ये ही दो ऑप्शन है, फिल स्ट्रोक और पिक्सल। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो उसका अंदर का कलर फिल डिसाइड करेगा, उसके बाहर का यानी आउटलाइन का कलर स्ट्रोक डिसाइड करेगा, और कितना कलर होना चाहिए, स्ट्रोक की कितनी विड्थ होना चाहिए, कितना साइज होना चाहिए, ये डिसाइड ये पिक्सल करेगा। तो लेट जस्ट क्रिएट समथिंग, हम कुछ क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ से एक पेन टूल लिया है, लेट मी जस्ट क्रिएट समथिंग। हमने यहाँ पे कुछ शेप क्रिएट किया है, लेट मी जस्ट डिटेल दिस शेप आउट। ओके, हमने एक शेप ले लिया है, इसका कलर रेड मुझे पसंद नहीं आ रहा है, लेट जस्ट गो विथ समथिंग येलो और क्रीम कलर का कुछ क्रिएट करते हैं। एंड इसके आउटलाइन जो है वो हम वाइट कलर की कर देते हैं और पिक्सल बढ़ा देते हैं। तो देखेंगे फिल और स्ट्रोक, और स्ट्रोक की जो पिक्सल है वो 20 सेट है यहाँ पे। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ प्रीसेट वाले शेप्स भी मिलते हैं, और ये सब कुछ हम अपनी शेप लेयर में ही कर रहे हैं, एक ही लेयर में सेलेक्ट करते हैं सब कुछ। अब यहाँ पे मल्टीपल लेयर बन गई है, हम उसी के अंदर क्रिएट करेंगे। सो हमको इस लेयर को डिलीट करना है, लेयर को सेलेक्ट करना है। और इसका कलर कुछ चेंज कर देते हैं और स्ट्रोक को हम नन कलर कर देते हैं। यस सर, दिख रहे राइट। किसी ने क्वेश्चन पूछा ब्लेंडर की फाइल डायरेक्टली डाल सकते हैं, अगर मैं बोलूंगा हाँ तो गलत होगा। ब्लेंडर की फाइल या सिनेमा 4D की भी फाइल जो है वो डायरेक्टली नहीं डाली जा सकती इस तरीके से, क्योंकि 3D स्पेस जो है वो आफ्टर इफेक्ट ज्यादा नहीं देता है। इसके जो एडवांस वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपका फ्यूजन हो गया, न्यूक हो गया, ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपको 3D स्पेस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो उनमें ये 3D की फाइल्स डायरेक्टली इंपोर्ट की जा सकती हैं, बट आफ्टर इफेक्ट में डायरेक्टली 3D की फाइल इंपोर्ट नहीं की जा सकती है। उसके लिए केवल सिनेमा 4D का दिया गया है, क्योंकि सिनेमा 4D जो है वो 3D सॉफ्टवेयर में कम, और क्या बोलते आपका क्या बोलते पोस्ट प्रोडक्शन के सॉफ्टवेयर में ज्यादा जाना जाता है। सिनेमा 4D मोशन ग्राफिक्स के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। राइट, तो यहाँ पे हमने एक टून सी छोटी सी एक कार खड़ी कर दी है, राइट, एक छोटा मोशन ग्राफिक है।
अब अगर आप लेयर को देखेंगे और लेयर के नीचे पे यहाँ पे छोटा सा एरो होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन मिलेंगे लेयर से रिलेटेड। तो सिंपल यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग एक वर्क क्रिएट करते हैं, जस्ट अ बिट। ओके नाउ अब हमने ये जो एनिमेशन है छोटा सा एक एनिमेशन तैयार किया है। इसमें नॉर्मली आज केवल एक सॉफ्टवेयर की वर्किंग देख रहे हैं, तो आप लोग इसमें ड्रॉ कर सकते हैं अपने यू नो यहाँ पे एक शेप लेयर लगा के। एनिमेशन में अभी मत जाइएगा, एनिमेशन अपकमिंग क्लासेस में रहेगा तो आप लोग डेफिनेटली उसमें देख लेंगे। बट एक सिंपल मोशन ग्राफिक जो है वो इजीली इसमें क्रिएट किया जा सकता है। और अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं, ओके तो आप ऐसे इसमें कई ग्राफिक्स होते हैं, बहुत ही एडवांस ग्राफिक में ये जाता है, खासकर जब आप विजुअल इफेक्ट्स देखते हैं उन सब जगहों पे आप इसको यू नो मोशन प्रोवाइड करा सकते हैं मल्टीपल जगह पे। लेट मी जस्ट शो यू सम स्लाइड्स एंड देन फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे, ठीक है। और आप लोग के जो भी डाउट्स होंगे आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे अभी लिख सकते हैं, हमारे पास टाइम है तो हम लोग डाउट क्लियर कर लेंगे। अगर कोई डाउट है, कोई स्कोप से रिलेटेड किसी को कुछ जानना है, किसी का कोई यू नो ड्रीम है कि आपको इस फील्ड में कौन से सेक्शन में जाना है, तो आई कुड गाइड यू फॉर दैट एज वेल। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने स्लाइड इसलिए ओपन की कि जो मोशन ग्राफिक आपने अभी हमने अभी जो कार वाला क्रिएट किया था, बेसिकली ये वही आर्ट है। डेफिनेटली डीएस मैं ग्रुप में सेंड करवा दूंगा, अभी करंटली इस पीसी में नहीं है क्योंकि ये पीसी जो है वो आप लोगों के लिए स्पेशली अलग से अलॉट किया गया है, तो इसमें रॉ फुटेजेस हैं, इसमें आपकी वाली नहीं है जो एडिटेड वाला चाहिए, तो डेफिनेटली मैं उसको शेयर करवा दूंगा ग्रुप में। ये जो अश्विन जो आपका सवाल है उसके लिए लेयर जो हमारा पैनल है वहां पे राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करेंगे ना तो छोटा सा डब्बा ओपन होगा यू नो डायलॉग बॉक्स का, उसमें न्यू पे जाना है हमको, तो हमको डायरेक्टली बस लेयर पे राइट क्लिक करना है और उसमें न्यू पे जाना है, तो वहां पे आपको सारे लेयर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। ओके ये जो है ये बेसिकली वेलकम, ये जो पूरा डिजाइन है आपको हाथ पे दिख रहा है एवेंजर्स का, ये सेम टेक्निक से क्रिएट किया गया है, इसको होलोग्राम टेक्निक बोलते हैं,
नॉर्मली होलोग्राम्स और क्या बोलते विजुअल इफेक्ट्स ऐड हो जाता है, ये जो जितने भी डिजाइंस हैं जो आप देख रहे हैं उसके हाथ में पोर्टल बन रहा है और आग गिर रही है, ये सब कुछ जो है वो नॉर्मली वैसे ही ड्रॉ किया जाता है, तो हम लोग अपकमिंग क्लासेस में उसको देखेंगे। ये बेसिकली एक प्रोडक्शन हाउस का लुक है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था, कि जब हम लोग इन सॉफ्टवेयर्स पे एक्सपर्टीज रखते हैं तो हम लोग बेसिकली इस तरीके के प्रोडक्शन हाउस में जाते हैं, राइट। यहाँ पे यू नो काफी कॉर्पोरेट दिखता है जरूर, लेकिन क्या बोलते हैं ये रहती बहुत ही फन प्लेस है, यहाँ पे बहुत क्रिएटिव लोग रहते हैं और इंडस्ट्री काफी बिग है, तो आपको बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं एंड यू गाइज विल बी हैविंग अ यू नो टाइम ऑफ लाइफ टाइम, क्योंकि ये जो जगह है ये जगह जितनी भी कॉर्पोरेट दिखे, वर्क जितना भी सीरियस दिखे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा फन फैक्ट होते हैं, लोग अपना क्या बोलते इंजॉय करते रहते हैं। ये कुछ मूवीज हैं जो हमारे भारत की सबसे ज्यादा बोलना चाहिए VFX यूज की गई हुई मूवीज हैं और इनमें सबसे ज्यादा VFX में पैसा पोर किया गया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मूवी ने कितना कमाया, वो तो आप लोग विकिपीडिया और बाकी जगहों से देख भी लेंगे, लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये मूवीज हैं जिनमें सबसे ज्यादा VFX वालों को पैसा दिया गया, तो दीज आर द मूवीज जैसे 2.0 200 मिलियन का इनका बजट था, वैसे ही हमारा थग्स ऑफ हिंदुस्तान है, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन का मैशअप लग रहा है, और वैसे ही आपका क्या बोलते यू नो हर्षल सॉफ्टवेयर का लिंक आई हैड जस्ट अ मिनट, मैंने शायद मैं ग्रुप में शेयर करवा दूंगा, अगर आप में से प्लीज किसी के पास वो लिंक हो जो मैंने शेयर किया था वो प्लीज कर देंगे, थैंक यू अश्विन, दैट इज द लिंक। और कुछ इस तरीके का व्यू होता है जब आप नॉर्मली काम करते हैं, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब ऑफ अ VFX आर्टिस्ट एंड इन अ क्रिएटिव फील्ड, राइट। इस तरीके के विजुअल इफेक्ट्स वगैरह क्रिएट करते हैं, ये जो मैंने वर्क किया था ये केवल मूवीज में नहीं होता है, ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये केवल मूवीज की नहीं है, VFX वर्क जो है वो बेसिकली मूवीज के साथ साथ आपका वीडियो गेम्स और इन सब जगहों पे भी होता है, राइट। तो वीडियो गेम्स में भी जो गेम के विजुअल इफेक्ट्स हैं वो सब क्रिएट करने के लिए भी इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग अब आप लोगों को आ गई होगी आई थिंक, कि ये जब भी जाली ऐसी आपको दिखे तो समझ जाइएगा कि वो वर्क 3D का है, उसमें कुछ ना कुछ चिपका हुआ है 3D का, राइट, कुछ भी ऐसा लगाया गया है तो वो आपका 3D का वर्क हो जाता है, ओके। और ये क्रोमा वर्क है, छोटा सा टैंक को मिक्सअप किया गया है। हेमा एक्सपर्ट के लिए मैं आई थिंक there will be a management who can you know provide you the whole scenario regarding that, okay। expert banne ke liye aapko kitna time lagega, it depends on that, but I would definitely it all depends on your practice, ki aap kitna zyada practice karte hain, like agar main aisa bolu ki iske liye it's an art thing na, लर्निंग एंड मास्टरिंग थिंग विल बी डिफरेंट, वो तो आपका जितना समय पे आप सॉफ्टवेयर पूरा कंप्लीट करते हैं तो इट टेक्स अबाउट अ ईयर और टू, लगभग 2 साल लगते हैं पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर्स को मास्टर करने में अप्रोक्सीमेटली, जब 2 से 2.5 साल में आप पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं, चाहे वो 3D हो चाहे 2D हो चाहे आपका VFX हो, ये सब चीज़ें सीखने के लिए आपको 2.5 साल लगता है। अगर आप क्या बोलते यू नो एक्सपर्ट लेवल की बात कर रहे हैं या कोई यू नो लेजेंडरी लेवल की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपका तो प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर सीखने के लिए तो 2.5 साल इज सफिशियंट इनफ, बट अगर आप उसको ले जाएंगे यू नो अलग एक्सटेंट तक पुश करने के लिए ले जाते हैं तो इट विल टेक यू अबाउट 10 years to 15 years, जितना आप प्रैक्टिस करें वो उस पर डिपेंड करता है एंड डिपेंड ऑन योर इंटरेस्ट एज वेल। या ये मूवी का खास कर मेरे को दिखाना था क्योंकि ये मूवी स्टार वॉर्स की मूवी है, आप लोगों ने देखी होगी, स्टार वॉर्स VFX के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है, और इन अपकमिंग सेशन आई एम गोना टेल यू अ बिट ऑफ सीक्रेट अबाउट इट, तो आप लोग डेफिनेटली सर्च कर सकते हैं स्टार वॉर्स के कैमरे के बारे में, अगर आप लोग
सर्च करना चाहें तो डेफिनेटली कि स्टार वॉर्स में कौन सी टेक्निक यूज की गई थी प्रोजेक्शन के लिए. तो एंड आई एम गोना टेल यू दिस इन आवर अपकमिंग क्लासेस. ये एक सीक्रेट है, पता लगाइए. ओके ओके, इज देयर एनी डाउट गाइस? कोई डाउट है इस तरीके का कि कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों को तो डेफिनेटली यू कैन शूट. हमारे पास अभी भी 5-10 मिनट हैं, वी गोना स्पेयर सम मोर टाइम. राइट अश्विन, ऑल क्लियर? डेफिनेटली गुड. और आप में से और किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, बी फ्री. आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, मैं अभी चैट बॉक्स ही देख रहा हूँ आप सबका. तो डेफिनेटली आप लोग उसमें लिख दीजिए जो भी क्वेश्चन है, शूट आउट जो भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं आप. या भूषण, आपको पता चल गया डॉज एंड बर्न का? That's good. तो बताइए जरा कि डॉज कौन से कलर को इफेक्ट करता है और बर्न कौन से कलर को इफेक्ट करता है. वृद्धि, आपका क्वेरी आया है कि क्या बोलते कौन से फील्ड में आपको कौन सी डिग्री लेना है, कौन से इम्पोर्टेंट कौन. देखिए इसमें डिग्रीज इम्पोर्टेंट नहीं होती है, आपको मैं बता दूं इसके लिए स्किल इम्पोर्टेंट होता है. ये बेसिकली पूरी फील्ड जो है वो स्किल और क्रिएटिविटी बेस्ड है, तो इसमें डिग्रीज उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं. अगर आप किसी भी रेपुटेड को यू नो फॉर्म से अगर आप पढ़ते हैं तो कोई इश्यू नहीं है. आप मतलब कोई भी ऐसा फॉर्म देखिए जो काफी रेपुटेड हो, जो अच्छे से आपको पढ़ाए. अदरवाइज क्या बोलते हैं, इसमें डिग्रीज का सर्टिफिकेशंस का ज्यादा महत्व नहीं होता, क्योंकि जब हम लोग जॉब्स के लिए जाते हैं या जब भी हमारा कोई भी वर्क हम प्रेजेंट करते हैं अपने करियर के लिए, तो वहां पे डिग्री नहीं मांगी जाती, वहां पे आपकी शोरील मांगी जाती है, जो वर्क आपने किया है. जैसे अभी कोई थे जिन्होंने बोला था कि आपका क्या बोलते वर्क मुझे शेयर कीजिए, मुझे दिखाइए. तो एग्जैक्टली सेम सिनारियो होता है कि जो प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं वो भी मांगते हैं कि आप कुछ वर्क जो आपने किया है वो डेफिनेटली आप हमको दिखाइए. तो डिग्रीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, नेवर गो फॉर डिग्री. अगर मैं आपको बताऊं तो डिग्रीज से ज्यादा आप स्किल के लिए जाइए. तो ऐसे कोई भी रेपुटेड फर्म में जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए, आपको यू नो उस सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छी जानकारी दे, गुड फाउंडेशन क्रिएट करे, वो जगह बेटर होती है. एंड इट ओनली, ये भी क्वेश्चन अराइज होता है, डियर्स आई एम डेफिनेटली गोना शेयर माय वर्क, आपको कब चाहिए? इट्स अप टू लाइक कब तक आपका वर्क शेयर करेंगे. डेफिनेटली मैं आप लोगों को ग्रुप में, मैं हूँ आप लोगों के जो फ्री स्किल का ग्रुप है उसमें डेफिनेटली मैं आपको वर्क शेयर कर दूंगा. डेफिनेटली डेफिनेटली कबीर, ओके ठीक है, आई एम गोना शेयर यू गाइस. लाइक दो जनों ने तो एटलीस्ट मांगा वर्क, थैंक यू, डेफिनेटली गोना शेयर दैट. और जिसके भी मन में इस तरीके का आ रहा है कि हमें कैसे पता चले कि कौन सा क्या बोलते बेसिकली बोलना चाहिए, कौन सा कॉलेज बेटर है, कौन सा कॉलेज में जाना चाहिए, या कौन कैसे पता चले कि कौन सा कॉलेज यू नो इफेक्टिव है, तो या टीचिंग्स अच्छी है, वट एवर. अगर ऐसा कोई भी क्वेरी आया है आपको लग रहा है, तो देखिए सिंपली उनका सबसे पहले लेगेसी देख लीजिए, कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, और दूसरी चीज उनकी डिलीवरी देख लीजिए. राइट उनकी डिग्री देख लीजिए कि क्या बोलते कितने डिग्री ऑफ लोग वो पहुंचा चुके हैं इंडस्ट्री में. राइट आप उनके पहली चीज तो जस्ट फॉर वृद्धि, और अगर किसी को कोई ऐसा डाउट आ रहा है तो आप
ये कर सकते हैं कि आप जाके डायरेक्टली उनसे उनकी यू नो कितने साल की लेगेसी है, कितने समय से पढ़ा रहे हैं और कितने लोगों को उन्होंने इंडस्ट्री में अब तक यू नो जॉब कराई, जॉब लगाई है, या क्या बोलते हैं आपके इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, किन किन प्रोडक्शन हाउस के साथ आपका कोलैबोरेशन है। प्रोडक्शन हाउसेस गाइस हम लोग ने जाना है तो डेफिनेटली आप प्रोडक्शन हाउस के लिए जा सकते हैं, राइट। और भूषण मास्ट एंड अनमास्ट, लाइक मैं मुझे नहीं समझ आया कि मास्ट एंड अनमास्ट, मैंने तो बस यही क्वेश्चन पूछा था कि डॉज कौन से कलर को इफेक्ट करता है और बर्न कौन से कलर को इफेक्ट करता है। सो आई डोंट नो, सो मास्ट एंड अनमास्ट मुझे नहीं समझ में आया, मुझे बताओ कि कौन सा कलर इफेक्ट होता है डॉज से और बर्न से कौन सा कलर इफेक्ट होता है। ओके ही इज लेफ्ट, वो दोबारा आ जाएंगे। ओके वेलकम विदी एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने इतना समय दिया, आपने इतना प्रेशियस टाइम दिया मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। हम लोग की ये जो क्लासेस थी अभी तक की वो इंट्रोस क्लासेस थी, सॉफ्टवेयर के बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लें, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें। आई एम ग्लैड कि आप लोगों को पसंद आ रही है क्लासेस, और अभी हमने सॉफ्टवेयर का बेसिक देखा है, सॉफ्टवेयर को शुरू कैसे करना है, सॉफ्टवेयर में वर्क कैसे, शुरुआत कैसे करना है, एवरीथिंग। तो थोड़ा सा फैमिलियर हो जाइएगा क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं होता है, तो डेफिनेटली जब नेक्स्ट टाइम हम लोग वर्किंग पैटर्न में कूदेंगे तो थोड़ा फास्ट रहेंगे, उस समय पे फिर हम लोग यू नो बेसिक समझाने में फिर हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए और फिर उसमें थोड़ा सा वर्क कर लीजिए, बिल्कुल चलेगा तोशन, नॉर्मल पीसी में भी चलेगा, बट क्या बोलते थोड़ा स्लो करेगा, इसलिए मैंने बताया आपको कि क्वार्टर में सेट कीजिएगा, नहीं तो आफ्टर इफेक्ट जो है वो बहुत स्लो चलेगा। आई एम ग्लैड सीमा, थैंक यू सो मच कि आपको पसंद आ रही है क्लासेस। ग्राफिक कार्ड डेफिनेटली भूषण, ग्राफिक कार्ड तो जरूरी है। वेलकम देवांश। फोटोशॉप डीएस, फोटोशॉप डाउनलोड कर लीजिएगा और एडोब आफ्टर इफेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, हम लोग इस दो सॉफ्टवेयर्स को ही बेसिक लेके चलेंगे, राइट, इन्हीं में हम लोग वर्किंग करेंगे। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे, वेलकम जयप्रकाश, और आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, थोड़ा सा वर्किंग कर लीजिएगा, ब्रशअप कर लीजिएगा कि फैमिलियर हो जाए। थैंक यू सो मच हिमा। मिनिमम कितना जीबी का ग्राफिक कार्ड रिक्वायर्ड है, तो 1 GB 2 GB, राइट, मिनिमम 2 GB का रखिए ताकि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो इजिली चल सके। 16 GB डीएस रैम या ग्राफिक कार्ड 16 GB का तो बहुत महंगा आएगा पर्सन को, अभी तो आप लोग शुरुआत कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसको अभी आई वुड डेफिनेटली से कि उसको इतना स्पेंड मत करिएगा 16 GB का ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक्स एंड एनिमेशन के लिए, फोटोशॉप एंड वीएफएक्स, वीडियो एडिटिंग के लिए, या ये सब चीजों के लिए आपको थोड़ा सा ग्राफिक कार्ड लगेगा। ओके गाइस, या भूषण, 2 GB का ग्राफिक कार्ड विल बी सफिशिएंट। ठीक है गाइस, अब मिलते हैं हम लोग की नेक्स्ट क्लासेस, अपकमिंग क्लासेस जो होंगी उसके लिए आप लोगों को फिर से रिवर्ट आ जाएगा, राइट, कल 3 बजे, सेम टाइमिंग सेम जगह। ओके, या फिर अब हम लोग वर्किंग में कूदेंगे। ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग अस, गुड बाय कबीर, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, वेलकम।